तो एक कहानी तो सुने आपने, थोड़ा बहुत पढ़ाई किए थे उन्होंने भी, ऐसे नहीं कि नहीं किए थे, वो इतना नहीं बोल सकते कि बहुत एजुकेटेड है, थोड़ा बहुत पढ़ाई हुआ, हाँ पढ़े लिखे थे, पर उनको कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, एक बेटा है, फैमिली भी नहीं है, उनकी वाइफ भी गुजर गई थी। तो फर्स्ट स्टोरी तो सुन लिए, अब चलते हैं नेक्स्ट, किसी और की सुनते हैं, देखते कौन मिलता है। चाचा खाने को चाहिए क्या? खाना खा के आया क्या? नहीं चाहिए खाना, नहीं चाहिए हम लोग को, है ना, एक आपसे बात पूछनी थी। बोलो। क्या हुआ आपके, आपको क्या, कैसे क्या आप देखो ऐसे हो गया? 1972 में हाँ मेरा जन्म हुआ। 72 में? हाँ 72 हाँ। प्लस हुँ. जब मैं फोर्थ इसमें था हाँ जन्म में हाँ, तब मुझे पोलियो डोज हाँ, नहीं दिया आपको हाँ, हाँ, इससे अपंग हो गए। अच्छा, और मेरा आग जो है हाँ, वो बचपन से ऐसे ही है। ऐसा ही। अच्छा, और कुछ पूछना चाहिए? कहाँ से है आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से हाँ, मैं मुंबई। कैसे गुजारा करते रोज? रोज मैं भीख मांगते। यस। आपको तकलीफ वगैरह नहीं होती आग वगैरह की? नहीं अभी कुछ नहीं, तकलीफ थोड़ा दिखता। और मैं 12वीं पास हाँ, अरे बाप रे, किधर से पढ़े थे? नवी मुंबई एरुली। कौन सा? एरुली, नई मुंबई एरुली। अच्छा, वापस कौन से कॉलेज में? मैं पढ़ा हूँ लॉ कॉलेज ठाणे। लॉ पढ़ा हूँ। अरे बाप रे, ठाणे में? हाँ ठाणा में। अरे बाप, जो समुद्र खारी हाँ, खारी में जो कॉलेज है ना, लॉ कॉलेज हाँ। लेकिन एक आग से वजह से मैं फेल हो गया। एक आग के वजह से आपको दिखता नहीं करके आप पेपर लिख नहीं पाए? दिखता था हाँ। मैं राइटर लगाया, सब लगाया हाँ। लेकिन राइटर लगाया उसने 8वीं का। अच्छा, 8वीं का राइटर हाँ। उसको लिखने नहीं आया ठीक से। उसको क्वेश्चन मालूम नहीं, आंसर मालूम नहीं, क्या बोलेगा। अच्छा। और मैं करो लॉ, इससे मैं फेल हो। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुकर गालपड़े। मधुकर गालपड़े। आगे पीछे है क्या? नहीं कोई कोई नहीं मेरा कोई भी नहीं, अकेले फैमिली में कोई नहीं है? फैमिली भी नहीं। अच्छा, फैमिली ब्लड कैंसर से गुजर गए सब लोग? माँ तो गुजर गई पहले, बाप भी गुजर गया, अभी मेरी उम्र है 52, भाई है वो है, आप जानते नहीं है, देहूगांव करके है उधर। अच्छा, आपको फिर रोज का खाना पीना अच्छे से मिलता है क्या? कोई आपके जैसे आते हैं, देते हैं, दान करते हैं। अभी तो लोकल पैसा हो, लॉकडाउन में कैसे गुजर रही है? लोकल व्हीकल तो सब बंद। अरे लॉकडाउन में पूछो मत। क्या हुआ था लॉकडाउन में? लॉकडाउन में कैसे गुजर रही है सर? लॉकडाउन में मैं 50,000 रुपए कमाया। 50,000? यस। बाप रे, कैसे? हमको भी जरा तरीका बताओ, हम लोगों को 10,000 कोई पेमेंट दे रहा नहीं। देखो डॉक्टर में ऐसा कट रहेगा ना, ऐसा कोई भी कोई PSI यानी कि इंस्पेक्टर हाँ, वो आता था कार में उतरते 500 रुपए देता था डायरेक्ट। और देखो 500 जमा करके 50,000 रुपए हो गए। 50,000 रुपए हो गया। और बैंक बैंक है क्या? नहीं आपका? नहीं, आपको अभी टाइम है क्या? है ना, अरे आप पूरा रात बिताओ, हमको इधर ही चाहिए हम लोग। देखो हमारे 50,000 कितना? 50,000 देखो भाई, मुझे क्या उसको बोलते हैं, तम्बाकू मैं खाता हूँ, दारू पीता हूँ, एक क्वार्टर मैंने 350 का लिया। एक क्वार्टर 350 का? यस। उससे पहले कभी नहीं लिए थे 350 में? भीख मांगने वाला आदमी कैसा लेगा भाई? तो आज पिए क्या? नहीं पियो हाँ। सही बोल रहे हो, क्या आप रिपोर्टर हो? नहीं, हम लोग है ना यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, हम लोग लोगों को बताते सबकी कहानी, तो आपकी कहानी क्या है वो बताओ, कैसे क्या है, हो गया ये? देखो लॉकडाउन में मैंने भाई कमाया हाँ। और राशन जो रेशनिंग बोलते हो उसको बोलते है हाँ। रेशनिंग कितना कम है मालूम क्या? कम से कम तीन गुना ज्यादा हाँ। तीन गुना क्या किए वो पैसे? फिर वो भाई को दिया। भाई को दिया? भाई किधर रहते? देहूगांव करके है। अच्छा, क्या करते?
पेंटिंग अच्छा, तो फिर अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है तुम्हारा, कोई टेंशन नहीं? मेरा कोई नहीं, मुझे हकल दिया भाई, मुझे घर से हकल दिया, लाद दिया। किस लिए? किस वजह से हकल है? अभी किस वजह से क्या है, दारू पी क्या है, उसके लड़की को बोला ए भाई इसको बीवी बच्चे नहीं है क्या? किसको? आपको। देखो मेरी बीवी को ब्लड कैंसर हुआ, बीवी को तो नहीं, बच्चे है, वह हॉस्टल में, मैं मार सका हूँ। उस्मानाबाद जिला जानते हो? उस्मानाबाद जिला किधर? उस्मानाबाद जिला महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में? अच्छा, उस्मानाबाद। हाँ। ओके ओके। हाँ। तो पढ़ाई लॉ की है क्या? पूरा लॉ नहीं किया, फेल हुआ क्योंकि मेरे ये भी आप फेल है। अच्छा अच्छा, ये आपने मुझे 25% सिर्फ 25% दिखता है। यस जल्दी, तो 50,000 रुपए से इलाज किए रहते? 25,000 ये बचपन का इलाज है, बचपन में हुआ है। अच्छा, अभी नहीं हो सकता? अभी होता नहीं, जेजे हॉस्पिटल में टाटा करके डॉक्टर है, उसका सनी मुझे मालूम है, फेमस है वो, उसका मुलाकात आया था टीवी में। देखो आपकी जो कोई भी हो यानी कि सेंटर हो, अगर सेंटर में भर्ती करना चाहते हो तो करो, मैं करना चाहता हूँ। तो क्यों ऐसे बहुत सारे ऐसे आश्रम रहते, क्यों नहीं जाते आप? खुद से भी तो जा सकते हैं। आश्रम? अरे आप कौन सा आश्रम है? आश्रम तो कितने सारे रहते हैं जो आगे पीछे जिनको रहते हैं। आगे पीछे तो बोल है, हजारों आश्रम है। हाँ, फिर हजारों आश्रम, आश्रम लेते नहीं क्या? नहीं नहीं ले गए, आश्रम हजारों है। सही बात है, तो फिर जाते क्यों नहीं? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट बना के भी देते उन लोग? कौन? चलो कल मैं जाने नहीं बोला, वो आपकी मर्जी है, मैं तुमको सिर्फ एक पूछ रहा। सुनो जो बना के ना, अभी चलो जो डॉक्यूमेंट बनाएगा ना, तो आपके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं? आपके शरणों में आता हूँ। तो आपके पास भी आधार कार्ड नहीं है? मेरे पास आधार कार्ड नहीं, रेशन कार्ड नहीं, हैंडीकैप सर्टिफिकेट नहीं, ब्लाइंड सर्टिफिकेट नहीं, कुछ नहीं। आपको हैंडीकैप सर्टिफिकेट पे पेंशन भी मिलेगा? आधार कार्ड बनाओ, पेंशन 2,000 रुपया, लेकिन मेरे पास ब्लाइंड सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छा बोलो क्या है? मेरा नाम मधुकर रंगनाथ गालपड़े, मेरा बाप का नाम है रंगनाथ। तो 12वीं पास पर यहाँ पे ही रहने का है, किधर जाने का नहीं कोई आश्रम में? नहीं मुझे जाने का है आश्रम, सावली निवारा केंद्र पिंपरी में है, मैं कल या परसों जाने वाला हूँ। लेकिन मेरा हुलिया है ना, हुलिया बहुत बेकार है, दाढ़ी बढ़ गई, कपड़ा खराब है, वो सब ठीक कर सकते हो गए। देखो आपके पास कोई कपड़ा हो तो मुझे दो, अभी मैं ठीक है आपको लेके जाता हूँ। इधर ही रहते क्या? हम लोग कल लेके आके देते हैं, कल लेके आएंगे आप। इधर ही रहते क्या? खाना भी लेके आए से कोई लेके आता? खाने का खाने, खाने, खाने का कोई मतलब नहीं, मैं खा के आया हूँ। तो आपको कपड़े भी हम लोग दे देंगे, उसका चिंता मत करो, कल हम लोग दे देंगे आपको। कल कितने बजे रुकेंगे इधर? आप कितने बजे दिखोगे? मैं रुकेगा 6 बजे। ठीक है चलो, कल हम लोग आपसे मिलेंगे, अभी सो जाओ, आराम करो। देखो अगर आप नहीं आएंगे, हाँ नहीं 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 आएंगे, आएंगे जरूर आएंगे 6 बजे। हाँ, सिर्फ आपको टी शर्ट और शर्ट पैंट दे के जाएंगे। ठीक है, टी शर्ट मुझे शर्ट मांगता है। हाँ ठीक है, शर्ट दिलाएंगे। मेरा अभी उम्र कितना है? मैंने 52 है। 52? यस ठीक है, शर्ट और पैंट दिलाएंगे। ठीक है, शर्ट और पैंट। हाँ सादा पैंट लाओ। ठीक है, ऐसा नहीं, नहीं नहीं सादा पैंट। देखो मुझे जूता नहीं, कौन सा भी जूता लाओ, सादा जूना हो पुराना हो कैसा भी हो, ठीक है 6 बजे मैं रहा देख रहा हूँ। ठीक है ठीक है, और मैं देखो मेरी बात सुनो। देखिए सर, मैं सावली निवारा केंद्र पिंपरी उधर जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो जो है लाभार्थी उसके लिए वो निवारा केंद्र है, उसका जो बॉस है वो बॉस का नाम है घुशेल सर। ठीक है, उधर मुझे लेके जाने का हम लोग पता करते हैं और वहाँ पे आपको है ना भेजने की कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं, मैं जाता हूँ ना, खुद से जा सकते हैं तो मैं जाता हूँ। अच्छा, कपड़े मिलेंगे तो जाएंगे आप? फटाफट कल लाके हम लोग कपड़े देते हैं। टेंशन ठीक है, तो नहीं 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 ठीक है।